हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू ड्रीम क्लासेस आज मैं आप लोग को हिंदी का टॉप ट्वेंटी क्वेश्चन करवाने वाला हूं तो सभी बच्चे हमारे साथ लाइव आ जाएंगे हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे सभी बच्चे हमारे साथ लाइव आ जाएंगे कनेक्ट हो जाएंगे जुल जाएंगे तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे सभी बच्चे हमारे साथ लाइव आ जाएंगे बाबू सभी लोग हमारे साथ लाइव आ जाओ और क्लास को आगे भी शेयर करो गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग हाँ अंकिता गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग है तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाए हमारे साथ सभी लोग फटाफट हमारे साथ लाइव आ जाए तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों तो देखिएगा कहा गया है आप लोग ध्यान से देखिएगा कहा गया है कोई भी लक्ष्य अगर आप ठान लीजिएगा अगर आप ठान लेते हैं तो कोई भी लक्ष्य कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं माई डियर स्टूडेंट्स कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं जीता वही जो डरा नहीं तो इसी के साथ कहा गया है कोई भी लक्ष्य जो है आपके सामने बड़ा नहीं है जीता वही जो डरा नहीं है तो देखिएगा आप लोग टूट जाओ बिखर जाओ कहा गया है टूट जाओ बिखर जाओ रो लो बस हिम्मत मत हारना रो भी लो परंतु हिम्मत नहीं हारना फिर देखो कैसे निखरते हो इसलिए कहा गया है आप कितना भी रो कितना भी थक जाओ लेकिन चलना नहीं भूलना है आप लोग को ना रुकना है ना थकना है सिर्फ मंजिल को प्राप्त करना है तो आज का क्लास बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन हाईलाइटेड है अपने आप में जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा हम लोग आपको आज अमरजीत भाई गुड इवनिंग हाँ बच्चों सभी को गुड इवनिंग है आप लोग जितना हो सके पहले क्लास को एक बार शेयर कर दो बाबू आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे बच्चों सभी बच्चे आज की क्लास को पहले शेयर करेंगे सभी बच्चे आज की क्लास को पहले शेयर कर दो फटाफट शेयर करो फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो कहा गया देखिएगा क्वेश्चन सही ढंग से आप लोग को दिख रहा है ना क्लियर नहीं दिख रहा है मधु सिंह क्या नहीं क्लियर दिख रहा बाबू क्लियर नहीं दिख रहा आप लोग को बताइएगा क्लियर दिख रहा है सभी लोग को क्लियर दिख रहा है ना हाँ लव यू टू के टू सिंह लव यू टू बताओ क्लियर दिख रहा है सभी लोग नमस्ते चलिए क्लियर दिखेगा बच्चों अब क्लियर दिखेगा क्वेश्चन क्लियर दिखेगा अब आप लोग अपना क्वालिटी और अधिक बढ़ा लें तो क्वेश्चन जो है क्लियर दिखेगा बच्चों चलिए तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों कहा गया है जाड़ा क्या है मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं बजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है तो बच्चों आज हम आप लोग को समझाएंगे देखिएगा बजीरा सिंह जो पलटन का विदूषक है बजीरा सिंह कौन है पलटन का विदूषक है और लहना सिंह को कहता है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करो कौन कहता लहना सिंह की अपने स्वच्छक अपने स्वास्थ्य का रक्षा करो कौन कहता बजीरा सिंह कहता किसको लहना सिंह को क्योंकि जाले की ठंड मौत का कारण बन सकती है सही बात है डियर स्टूडेंट, जाले की जो ठंड है वो हमें हमारे मौत के कारण भी बन सकती है इसलिए मरने के बाद तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है डियर स्टूडेंट्स, मरने के बाद अगर कोई जाला से मर जाता है तो उसे मरने के बाद कोई भी चीज प्राप्त नहीं होता है यदि निमोनिया से तुम्हारी मृत्यु हो जाती है यदि निमोनिया से यदि निमोनिया से तुम्हारी मौत हो जाती है तो तुम्हें कोई मुरब्बा अथवा अन्य स्वादिष्ट वस्तुएं अन्य स्वादिष्ट वस्तुएं नहीं मिलती है हम लोग कहा थे हाँ कोई स्वादिष्ट वस्तु यदि निमोनिया से तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें कोई मुरब्बा अथवा अन्य स्वादिष्ट वस्तुएं नहीं मिलेगी तो इसी के साथ कहा गया है जीवन का सुख जीवन का जो सुख होता है माई डियर स्टूडेंट्स जीवन का जो सुख होता है फिर नहीं मिलेगा साथ ही तुम अपने अस्तित्व को इस प्रकार समाप्त कर दोगे अर्थात मृत्यु ही अंतिम सच्चाई है क्या है जब इंसान खत्म हो जाता है जब वो विलीन हो जाता है तो उसके पास कुछ नहीं बचता है क्या नहीं बचता कुछ नहीं बचता है तो देखिए यहीं पे एक क्वेश्चन समाप्त हुआ अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग सभी को समझ में आ रहा क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन सभी चैप्टर से बाबू सभी चैप्टर से हम गैस करके लाए हैं क्वेश्चन सभी क्वेश्चन अपने आप में हाईलाइटेड है थोड़ा और बड़ा लिखिए आंसर ओके बाबू ठीक है ना आप लोग देखो सही से दिख जाएगा सभी बच्चों को सही से दिख जाएगा चिंता करने की बात नहीं है ठीक है ना तो देखिए क्वेश्चन नंबर टू आप लोग क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर टू का जवाब आप लोग देखिए उसने कहा था क्या कहा था बच्चों उसने कहा था कहानी पहली बार कब प्रकाशित हुई उसने कहा था कहानी पहली बार कब प्रकाशित हुई देख, देखिए उसने कहा था कहानी पहली बार 1915 कब हुआ था 1915 सौ ईस्वी में प्रकाशित हुई थी कब हुई थी 1915 सौ ईस्वी में प्रकाशित हुआ था डियर स्टूडेंट्स कब हुआ था 1915 सौ ईस्वी में प्रकाशित हुआ था अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे अगला क्वेश्चन देखेंगे हां किताब उन्नीस सौ पंद्रह में हुआ था उन्नीस सौ अंशु सिंह हाँ उन्नीस सौ पंद्रह में हुआ था जी देखिएगा अगला क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देंगे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है तो देखिएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है वार्तालाप क्या है इसका जो संबंध है किससे है वार्तालाप से है तो देखिएगा कला वार्तालाप की कला आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के हुनर की बराबरी स्पीच उनके जो लेवल का जो स्पीच है उनके जो लेवल का स्पीच है और लेख दोनों नहीं कर पाते हैं। दोनों क्या है नहीं कर पाते हैं इस हुनर की पूर्ण शोभा काव्य कला परवीन विद्वत्त मंडली क्या है विद्वत्त मंडली में रहता है तो इस कला का जो माहिर व्यक्ति होते हैं वो चतुराई से भी जवाब दे पाते हैं कोई ऐसा व्यक्ति होते हैं जिनके पास कला का कोई शिक्षा ही नहीं होता है और एक ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जिनके पास कला की बहुत सारे विशेषताएं भी होती है <स्थ> तो देखिएगा इस कला के माहिर व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़ते हैं यानी कि वो अपने वाणी को छोड़ते हैं और अपने कला को दर्शाते हैं कि श्रोताओं या श्रोताओं के लिए बातचीत कर्ण प्रिय तथा अत्यंत सुखदाई होता है जैसे आपके गांव में कोई एक गायक आया है जैसे खेसारी भाई बात एक बात मान लीजिए जैसे आपके गांव में खेसारी भाई आए हैं तो उनके जिससे यानी कि कला जो प्रस्तुति वो दिखाते हैं वो जो कला प्रस्तुति दिखाते हैं तो गांव के अधिक से अधिक बच्चे बूढ़े जवान व्यक्ति सारे लोग कहाँ चल जाते हैं उनके कला को देखने जाते हैं क्योंकि वो जिस तरह से कला दिखाएंगे क्यों जो उस तरह से वो कला दिखाएंगे तो ग्रामीण का भीड़ भी उसी प्रकार से लगेगा और श्रद्धालुओं का तो उसी प्रकार से यहां कहा गया है अत्यंत सुखदायी होता है वो जो कला देखकर उन्हें अत्यंत सुखदायी होता है सुरहद गोष्ठी इसी का नाम है सरहद गोष्ठी की विशेषता है कि वक्ता के वक्ता के सरहद सृष्टि की विशेषता है कि वक्ता के वाका चातुरी का अभिमान या कपट नहीं प्रकट नहीं हो कथा तथा अपनी बातचीत की सरसता सरसता बनी रहे यानी कि उनका जो बातचीत का जो लेबल है वो बनी रहे हाँ जी खेसाली भैया कपट और एक दूसरे को अपने पंडित्य एक दूसरे के जो अपने पंडित्य के प्रकाश से प्रास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री आर्ट ऑफ कन्वेंशन का मूलभूत मूल मूल तंत्र होती है यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कन्वेंशन कन्वर्सेशन जगत प्रसिद्ध है कहाँ के लोगों को आर्ट ऑफ यानी कि उन्हें कला बहुत ज्यादा पसंद आती है तो यूरोप के लोग जो होते हैं वे लोग कलाकार होते हैं यूरोप के जो लोग होते हैं वो बहुत ही कलाकार होते हैं होनहार होते हैं <entraault> यूरोप के जो लोग होते हैं बच्चों वो वहां के लोग कलाकार रीमा गुप्ता गुड इवनिंग बच्चों गुड इवनिंग बाबू हमारे साथ सभी बच्चे कनेक्ट हो गए हैं जुड़ गए हैं तो हम चाहते हैं कि आप लोग बाबू एक बार और क्लास को शेयर कर देंगे ताकि हमारे साथ और सारे बच्चे जुड़ जाएंगे तो आज का जो क्लास है हाँ ये सब ये याद है सर प्रीति याद है तो एक बार और याद कर लोगी तो क्या कोई दिक्कत है अगर बाबू याद है क्वेश्चन तो आप एक बार और याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत है क्या <laughs> अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट भी आई है जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सभी क्वेश्चन भी, भी आई है बताइएगा जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी थे वो कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए थे बच्चों तो देखिएगा पीडीएफ मिलेगी गुरुजी हाँ जी पीडीएफ जरूर मिलेगा टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ क्लास खत्म होगी उसके बाद जो पीडीएफ रहेगा आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा टेलीग्राम पे सब बच्चे जुड़े हैं ना आज का क्लास मस्त था चलो बाबू आज का क्लास मस्त ही रहेगा तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन है हम इसको सलूशन करते हैं तो कहा गया है प्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए हैं तो देखिएगा प्रकाश नारायण अमेरिका में घोर कम्युनिस्ट थे बताइएगा जो हमारे जयप्रकाश नारायण थे अमेरिका में क्या थे घोर घोर <coughs> का मतलब क्या होता माई डर स्टूडेंट्स बताएंगे सभी घोर का मतलब क्या होता सभी लोग बताओगे घोर का मतलब क्या होता <coughs> अंकिता इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा ये जो है ना आपका ये आपका शॉर्ट में भी काम देगा लॉन्ग में भी काम देगा बच्चों हाँ अंकिता ये जो है आपका शॉर्ट में भी काम दे देगा लॉन्ग में भी काम दे देगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हम खुद टाइप करके बनवाए हैं खुद टाइप करके इसलिए बनाए ताकि आप लोग को अच्छी प्रकार से समझ में आए डिटेल से हम इसलिए बता रहे हैं को जो आपको जो क्वेश्चन है बहुत बड़े बड़े नहीं है अंकिता आप जैसे नहीं कि देखिएगा आध कीजिएगा पढ़ लीजिएगा एक बार न तो सारा क्वेश्चन आपको आदि हो जाएगा हम इसलिए बता रहे हैं कि आपका जो इसमें है शॉर्ट में भी काम आ जाएगा लॉन्ग में भी काम आ जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में भी काम आ जाएगा लॉन्ग हम सुन गए अंकिता बहुत बड़े हैं क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़ा है हम सुन लिए हैं बार बार नहीं बोलो ठीक है तो देखो जयप्रकाश नारायण अमेरिका में घोर कम्युनिस्ट थे क्या थे घोर कम्युनिस्ट यानी कि वहां का जो थे वो बहुत बड़े अधिकारी थे किनका वो कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकारी थे वह लेनिन का जमाना था वह जो जमाना था वो लेनिन की जमाना था लेनिन का जमाना था वह टस्की का जमाना था और किसका जमाना था का नहीं सर हम घोर का मतलब बताए बहुत बड़े हाँ जी <laughs> जमाना था तो बताया गया 1924 1924 में लेनिन के मरने के बाद 1924 सौ चौबीस आई डर में देखो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहां से बन रहा लेनिन का मृत्यु कब हुआ था लेनिन का मृत्यु कब हुआ था तो 1924 सौ ईस्वी में हुआ था सभी स्टूडेंट्स बताएंगे लेनिन की मृत्यु कब हुई थी लेनिन की मृत्यु कब हुई थी सभी बच्चे बताएंगे एक बार कमेंट बॉक्स में छाप देंगे किसको मार रही है अंकिता बताओ लेनिन की मृत्यु कब हुई थी सभी बच्चे बताएंगे लेनिन की मृत्यु कब हुई थी आप लोग जवाब देंगे सभी बच्चे लेनिन की मृत्यु कब हुई थी यहां पे लिख दिए 1924 में हुई थी एक क्वेश्चन आपको यहां से ऑब्जेक्टिव बन गया <laughs> मार्क्सवादी बन गए अगर वो लेनिन में मरने के बाद वे क्या बन गए मार्क्सवादी बन गए वे जब भारत लौटे तो घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटे क्या बनकर लौटे घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटे लेकिन वे कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं शामिल हुए लेकिन वो जो थे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए वे कांग्रेस में दाखिल हुए कहां हुए दाखिल कांग्रेस में दाखिल हुए कम्युनिस्ट पार्टी को त्याग दिए और कहा शामिल हो गए कांग्रेस पार्टी में दाखिल कहां हो गए कहा हो गए दाखिल कहा हो गए दाखिल डियर स्टूडेंट्स कांग्रेस कहां दाखिल हो गए कांग्रेस कांग्रेस में दाखिल हो गए कहां दाखिल हो गए डियर स्टूडेंट्स कांग्रेस में दाखिल हो गए तो एक क्वेश्चन समाप्त हुआ अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर फाइव हाँ अंकिता कांग्रेस में शामिल हो गए थे अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव बुद्ध, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था मोस्ट भी आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल भी भी आई है आप लोग नोट कीजिएगा छाप दीजिएगा इसको ठीक है ना सभी बच्चे इसको छाप लीजिएगा कॉपी में सभी बच्चे इसको छाप लीजिएगा कॉपी में कॉपी में आप लोग एक बार छाप लीजिएगा इस क्वेश्चन को बुध ने आनंद से क्या कहा माइ डियर स्टूडेंट्स बुध ने आनंद से क्या कहा था सर यह प्रश्न आ सकता बिल्कुल आ सकता बच्चों क्यों नहीं आएगा लाकर छोड़ेंगे क्वेश्चन को तो बताइएगा बुध ने आनंद से क्या कहा था आनंद मैंने जो धर्म चलाया था कौन कह रहे हैं बुद्ध भगवान कह रहे हैं किन से आनंद से अपने चेला से कह रहे हैं अपने से रहे हैं कि आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह पांच सहस्त्र यानी कि पांच सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था कब तक चलने वाला था माय डियर स्टूडेंट्स पांच सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था किंतु अब वह पांच सौ वर्ष चलेगा कब तक चलेगा पांच सौ वर्ष चलेगा क्योंकि ये जो हमारा दुनिया है वो बहुत ही ही वर्ष वर्ष चलेगा चलेगा क्यों चलेगा? क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया है नारियों का क्या चीज का अधिकार दे दिया है तो भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया है कौन अधिकार दे दिए हैं वो हमारे बुद्ध भगवान जो हैं उन्होंने नारियों को एक अधिकार दिए हैं कौन अधिकार दिए हैं माई डियर स्टूडेंट्स कौन अधिकार दिए हैं तो यहां हो जाएगा भिक्षुनी भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिए हैं कौन दिए हैं बच्चों तो हमारे बुद्ध भगवान एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दो माय डियर स्टूडेंट्स बुद्ध ने आनंद से यह कहा था मैंने जो धर्म चलाया है पांच सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला था पर अब बस पांच सौ वर्ष चलेगा हंकिता यही सच है कि जो हमारा सृष्टि जो है सृष्टि का जो चलान था वो पांच सहस्त्र वर्ष चलने वाला था लेकिन अब जो है वो पांच सौ वर्ष ही चलेगा पीडीएफ नहीं मिलेगा सर विकास कुमार पीडीएफ जरूर मिलेगा पीडीएफ क्लास खत्म होगा बच्चों उसके बाद पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स क्लास खत्म होगा उसके बाद पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे हम भेज देंगे ठीक है ना टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ जो भी पीडीएफ यहाँ का है सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा क्लास खत्म होगा उसके बाद जो पीडीएफ है जो रहेगा आपको टेलीग्राम पे हम भेज देंगे ठीक है ना सभी बच्चों को मिल जाएगा हाँ जी अंशु अंशु सिंह भिक्षुनी हाँ हाँ बच्चू भिक्षुनी हो जाएगा हमारा अगर करेक्ट आंसर हो जाएगा भिक्षुनी हमारा हो जाएगा हाँ बाबू भिक्षुनी हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे सभी क्वेश्चन अपने आप में देखिएगा सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चो. है बच्चों देखो ये भी वीवीआई क्वेश्चन आपका है ये भी जो है आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है क्या है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है वीवीआई क्या है वीवीआई जो कि परीक्षा में सौ परसेंट लड़ने वाला है परीक्षा में सौ परसेंट लड़ेगा तो कहा गया है गैंग्रीन क्या होता है स्टूडेंट्स बताएंगे सभी बच्चे गैंग्रीन क्या होता है बच्चों गैंग्रीन क्या होता है सभी बच्चे बताएंगे गैंग्रीन क्या होता है तो पहाड़ियों पर रहने वाले जो व्यक्ति पहाड़ी पर रहते हैं कहां रहते हैं पहाड़ी पहाड़ियों पहाड़ियों पर जो व्यक्ति रहते हैं उन्हें पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है जो व्यक्ति पहाड़ पर रहते हैं उन्हें कांटा चुभना क्या है बच्चों आम बात है पहाड़ियों पर कांटा चुभना आम बात है क्योंकि परंतु कांटा चुभने के बाद किंतु या परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने से जैसे बच्चे में आप लोग देखे होंगे कि कोई बैर झाड़ने के लिए जाता था क्या झाड़ने जाता था बैर झाड़ने जाता था तो पैर में जो कांटा चुभ जाता था तो बच्चे लोग अपने परिवार को नहीं बताते थे अपने माँ बाप को नहीं बताते थे और वही जो पैर में होता है एक बड़ा जख्म का बड़ा जख्म धारण कर लेता है जिसके वजह से वो डॉक्टर तक ले जाना पड़ता था कहां तक ले जाना पड़ता था बच्चों डॉक्टर तक ले जाना पड़ता था तो उसी का एक छोटा सा रूप है छोटा नहीं बोलिए बड़ा सा रूप बोलिए गैंग्रीन। बड़ा सा रूप क्या है गैंग्रीन है तो देखिएगा बहुत दिनों तक छोड़ देने से जो कांटा जो हमारे पैर में चुभ जाता है उसे बहुत दिनों तक छोड़ देने से क्या हो जाता है देने के बाद व्यक्ति का पांव जख्म का शक्ल जख्म का शक्ल यानी कि अख्तियार बन जाता क्या बन जाता है अख्तियार कर लेता है जख्म का क्या होता है अख्तियार कर लेता है और जिसका इलाज मात्र पांव का काटना ही है अगर आपका पैर जो जख्म पैर में हो गया उसे काटना ही पड़ेगा कब जब ऐसा स्थिति आ जाएगा कि आपका जो पैर है काहे की घर में बताएगा तो 10 से 20 कांटा चुभ जाएगा <laughs> हाँ अंकिता दस से बीस कांटा और चुभ जाएगा और दो चार झापड़ भी लगेगा क्या लगेगा दो चार झापल भी लगेगा किस लिए लगेगा क्योंकि तुमने बैर क्यों किया ये भी माँ बोल सकती है माँ पिताजी जो भी हैं वो बोल सकते हैं इस बात को तो कहा गया है कि कांटा चुभ जाता है जिसका इलाज जिसका मात्र एक ही इलाज है कि उसका जो पैर है पैर को क्या होता पांव का काटना ही है पांव को क्या हो जाता है उस टाइम में काटना ही है सर यह प्रश्न आया था सेंटअप में फिर भी आएगा हाँ हाँ बाबू फिर भी आएगा क्यों नहीं आएगा उसको हम लोग पकड़ के लाएंगे जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको हम लोग पकड़ के लाएंगे और क्यों नहीं आएगा देखो बच्चों तो काटना ही है कांटा चुभने पर जख्म ही गैंग्रीन कहते हैं जो कांटा चुभता है पैर में उसे ही हम लोग क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स गैंग्रीन कहते हैं क्या कहते हैं गैंग्रीन कहते हैं तो लोग को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया या नहीं आ गया गैंग्रीन क्या होता है सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया नहीं सभी लोग बताएंगे सबको समझ में आया या नहीं आया अमित कुमार यादव बिल्कुल हाँ सर आ गया जरूर कैसे सर प्रीति कुमारी क्या आपको समझ में नहीं आया बाबू आपको समझ में आया या नहीं आया गैंग्रीन जो है वो समझ में आपको आया नहीं आया कांटा चुभने पर जो जख्म होता है उसे गैंग्रीन कहते हैं हाँ बाबू कांटा चुभने पर जो जख्म होता है उसे ही गैंग्रीन कहते हैं एस सर एस सर हाँ आ गया हां बच्चों जरूर आ जाएगा क्यों नहीं आएगा तो देखिएगा सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया है सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया है अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे बच्चों क्लास में सभी को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा किसी को बोरिंग फील नहीं ना हो रहा है क्लास में सभी बच्चों को मजा आ रहा है या नहीं बताइएगा सभी बच्चों को मजा आ रहा है या नहीं किसी को बोरिंग फील नहीं ना हो रहा सभी लोग बताएं क्लास में आप लोग को मजा आ रहा है ना बाबू हाँ चलिए मजा ही आएगा इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको मजा भी आएगा और क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बच्चों देखिएगा अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स कौन नो बोले जी नो सर रौशन कुमार क्या आपको मजा नहीं आ रहा है क्लास में अमरजीत कुमार नो सर मजा नहीं आ रहा बच्चों, देखिएगा अगला क्वेश्चन है भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं भगत सिंह भगत सिंह जो थे उन्हें विद्यार्थियों से किस प्रकार का अपेक्षा है भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं भगत सिंह कहते हैं कि जो हमारे भगत सिंह हैं वो कहते हैं कि हिंदुस्तान को ऐसा देश सेवकों की जरूरत है हमारे जो हिंदुस्तान है हिंदुस्तान को ऐसे देश भक्तों की जरूरत है देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन सारा चीज से जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे कौन कह रहे हैं भगत सिंह कह रहे हैं जो हिंदुस्तान को ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो अपने तन मन धन सारा चीज क्या करें भारत के आगे समर्पित कर दें समर्पित कर दें पागलों की तरह पागलों यानी कि पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी के लिए सारी उम्र जो है देश की आजादी के लिए या देश के विकास के या देश के विकास में न्यूछावर कर दें क्या कर दें बच्चों माय डियर स्टूडेंट्स सारी जो उम्र है वो देश के लिए न्यूछावर कर दें हमारे जैसे आप एक चीज लेकर चलिए जैसे हमारे क्या हो गए जैसे में हमारे सैनिक जैसे में हमारे सैनिक क्या हैं वो उनका प्राण कब अर्पण कर देंगे अपने वतन के लिए एक वो नहीं किसी को नहीं पता है हमारे जो सैनिक होते हैं जो हमारे देश के लिए लड़ते हैं वो अपना प्राण कब उनका प्राण अपने धरती माँ के लिए अर्पित हो जाएगा इसका कोई जवाब नहीं है बच्चों कर दें। वो अपने प्राण को कभी भी उछावर कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो बॉलर है आप लोग पता ही है तो बताइएगा यह कार्य सिर्फ यह कार्य सिर्फ विद्यार्थी ही कर सकते हैं विद्यार्थी क्या है आने वाले भविष्य का एक सुनहरा और एक निखरता हुआ उजाला है विद्यार्थी जो है आने वाले भविष्य का एक पीढ़ी है और निखरता हुआ एक उजाला है तो कहा गया है सभी देशों को सभी देशों को आजाद करने वाले सभी देशों को आजाद करने वाले वहां के विद्यार्थी और नौजवान <coughs> सभी को हाँ क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तो बताने में अच्छा होगा क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं माइजर स्टूडेंट्स तो बताने में आप लोग को मजा आएगा और आप लोग को देखने में भी और पढ़ने में भी और समझने में भी, भी मजा आएगा <स्थाथ> देखिएगा हाँ कहाँ थे हाँ हम लोग यहाँ थे यहां से देखिएगा सभी देशों को आजाद करने वाले वहां के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं हमारे देश को आजाद करने के लिए कैसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है तो नौजवान शिक्षित और नौजवान और शिक्षित व्यक्ति का जरूरत पड़ता है हमारे किस लिए हमारे देश को आजाद करने के लिए हमारे दे, हाँ सभी देशों को आजाद करने वाले विद्यार्थी कर सकते हैं हाँ बाबू विद्यार्थी एक ऐसा विद्यार्थी ही एक ऐसा है जो सभी जैसे हमारे भारत हो गया यानी कि जहां जहां देश के विद्यार्थी जिस देश के विद्यार्थी हैं वही आजाद करते हैं सिर्फ एक नल्ला पाकिस्तान सिर्फ एक नल्ला पाकिस्तान ही ही ऐसा देश है जो सला औग्रवादी भी वहाँ का जो वहाँ का औग्रवादी भी जो है वो सिर्फ अपना देश को आज़ाद करता पाकिस्तान को वहाँ का विद्यार्थी नहीं आज़ाद करते हैं वहाँ का उग्रवादी ही उसे आज़ाद कर देता है किस लिए आज़ाद कर देता है तो क्योंकि उसे काश्मीर चाहिए क्या चाहिए कश्मीर चाहिए लेकिन ऐसा हमारा भारत जो है कभी नहीं होने देगा क्योंकि हमारे साथ बुलंदियों से बुलंदियों से भरा हुआ नौजवान हैं हमारे हमारे नौजवान साथी हैं आर्मी हैं सारा चीज हमारा है वो हमारे वहां पे स्थित रहते हैं तो कहा गया है क्रांति वही क्रांति कर कर सकते हैं था विद्यार्थी पढ़ें इसीलिए कहते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग पढ़ो आप लोग पढ़ो और नल्ला पाकिस्तान को समाप्त कर देना किसे समाप्त करना नल्ला हमारा बस चले तो एक ही दिन में समाप्त कर देंगे हमारा बस चलेगा तो उसको एक ही दिन में सफाया कर देंगे देखो जरूर पढ़ें क्यों नहीं पढ़ेंगे जरूर पढ़ेंगे और आपको पढ़ना पड़ेगा साथ ही ज्ञान हासिल करें और किसका ज्ञान हासिल करें माय डियर स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स का ही और ज्ञान हासिल करें और जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़े जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़े जैसे देखिएगा गांव में लड़ाई होता है आप लोग देखिएगा गांव में लड़ाई होता है जैसे दो गुट में लड़ाई हुआ तो एक गुट में जैसे है कि मात्र दो ही व्यक्ति हैं एक गुट में क्या है दो व्यक्ति हैं और एक गुट में चार व्यक्ति हैं तो जैसे जो देखने वाला लोग होता है तो जिसका मन में थोड़ा माया आ जाता है मोह आ जाता है तो जो बड़ा व्यक्ति है उससे छोटा व्यक्ति को जो मार रहा है तो सोचता कि थोड़ा इसे बचा देते हैं तो वहां से क्या होता है दो चार पांच व्यक्ति कूद पड़ते हैं किसे और उसे बचाने के लिए कूद पड़े और अपना जीवन इसी काम में लगा दें अपना जीवन जो है एक शुद्ध शक्ति के साथ लगा दें और अपने प्राणों को इसी में उत्सर्ग कर दें अपने प्राण को इसी में उत्सर्ग कर दें यही अपेक्षाएं हैं विद्यार्थियों से भगत सिंह की किसकी अपेक्षा है बच्चों भगत सिंह की इसी के साथ आपको जो विद्यार्थी से हमारा अपेक्षा है किसका अपेक्षा है विद्यार्थी से किनको अपेक्षा है तो भगत सिंह को है किनको अपेक्षा है भग... भगत सिंह को अपेक्षा है सर आपका नाम क्या है बाबू नाम से क्या करोगी नाम से क्या करोगी आप देखिएगा आप लोग सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दीजिए ठीक है ना आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिए हमारा नाम है रोहित क्या नाम है रोहित सर है जो जीवन है इसी तरह काम में लगाते रहो नेक काम करो क्या करोगे बच्चों नेक काम करो आप लोग तब जाकर यही अपेक्षाएं जो है भगत सिंह किससे रखते हैं वो हमारे जो आने वाले पीढ़ी हैं जैसे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे अपेक्षाएं रखते हैं कौन रखते हैं देखिएगा हर गुरु यही चाहता कि उनका जो विद्यार्थी हो अच्छे पोजीशन पे जाएं वो कुछ करें हर गुरु का सपना होता है कि हमारा विद्यार्थी मेरा भी एक सपना है कि आप लोग 2022 का जो एग्जाम है सभी लोग अच्छी तरह से लिखें और हम लोग यही क्वेश्चन लाते हैं कि आपको सारा क्वेश्चन जो है सभी बोर्ड एग्जाम से टकराए मिले ताकि आप लोग ऐसे ऐसे विद्यार्थी जो हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं जो गरीब से भी विद्यार्थी हैं इसलिए कहते हैं कि आप लोग क्लास को एक बार शेयर कीजिए ताकि जो हमारे साथ सभी बच्चे जो हैं है पढ़ सके और उनका भी तैयारी अच्छी प्रकार से हो पाए तो देखिएगा अगला क्वेश्चन सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा ना बाबू सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बताएंगे सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा माइल स्टूडेंट्स सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा अरे बाबू क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है अपने प्राण को इसी में उत्सर्ग कर दें यही अपेक्षाएं से भगत सिंह की हाँ बच्चों यही अपेक्षाएं हैं भगत सिंह की सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है हाँ सभी को आ रहा देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे अब अगला क्वेश्चन देखिएगा माई डियर स्टूडेंट्स हाँ अगला क्वेश्चन देखो ये भी जो क्वेश्चन है टॉप भी भी आई है ये सब जो क्वेश्चन है टॉप भी भी आई है क्या है मोस्ट भी भी आई नहीं है, है टॉप भी भी आई है ये जो क्वेश्चन है टॉप भी भी आई है तो देखिएगा पुंडलिक जी कौन थे पुंडलिक जी कौन थे सभी लोग बताएंगे पुंडलिक जी कौन थे माय डियर स्टूडेंट्स सभी लोग बताएंगे पुंडलिक जी कौन थे पुंडलिक जी कौन थे बच्चों बताओ सभी लोग पुंडलिक जी कौन थे तो पुंडलिक जी को महात्मा गांधी ने पुंडलिक जी जो थे हमारे वो महात्मा गांधी ने भिति हरबा में रहकर भीतिहरवा भीति हरबा सही बच्चों को पता है ना भीति हरवा भीति हरबा में रहकर भीतिहरवा में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा था कहा भितिहरवा एक जगह है बाबू भीति हरवा जो है एक जगह है भितिहरवा क्या है एक जगह है वहां रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा था कौन भेजा था तो महात्मा गांधी ने उन्हें दूसरा कार्य यह सौंपा गया था कि ग्राम वासियों के दिल से भय दूर कर ग्राम वासियों के दिल से भय दूर कर <coughs> उन्हें उन्हें ग्राम वासियों के हृदय में नई आशा तथा सुरक्षा सुरक्षा का भाव जागृत करना था महात्मा गांधी का एक नया मिशन था कि वो हर बच्चों के जो हर गांव में रहते हैं उन्हें जाकर जागरूक करें कि जो आपका है सुरक्षा और भाई। सुरक्षा और और दोनों से दूर कर उन्हें ग्राम वासियों के हृदय में एक नई आशा और नई रोशनी जगाना है नई रोशनी लाना है और नई आशा जगाना है किनके दिल में ग्राम वासियों के दिल में ताकि वे लोग अपने बच्चों को एक शिक्षित और सुशील यानी कि सुशील बच्चों को सुशील बच्चे बनाए तो देखिएगा वे लगभग साल रह सके साल रह सके ग्रामीण से अपील कर रहे हैं महात्मा गांधी जी कि आपका जो बच्चा है वहां सुरक्षित रहेगा और एक नेक सुशील बच्चे बनकर आएगा कितना दिन में वो एक साल में कितना दिन में बच्चों एक साल में एक साल में जो है आपका बच्चा एक सुशील और बनकर आएगा तो अंग्रेज अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिले से निलंबित कर दिया अंग्रेज सरकार जो थे महात्मा गांधी ने ऐसा किया तो अंग्रेज सरकार ने उन्हें अपने जिले से क्या कर दिए निलंबित कर दिया किनको निलंबित कर दिया महात्मा गांधी को निलंबित कर दिया देखिएगा थोड़ा क्वेश्चन ऊपर कर लेते हैं तो समझाने में अच्छा रहेगा क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं बाबू क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तो समझाने में अच्छा रहेगा हाँ जी हम लोग थे ग्रामवासियों के हृदय में नई आशा तथा सुरक्षा का भाव जागृत करना वे लगभग एक साल तक रह सकें वे लगभग एक साल तक रह सकें अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिले से निलंबित कर दिया अंग्रेज सरकार ने उन्हें अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिले से निलंबित कर दिया लेकिन फिर भी वह हर दा तन साल में अपने पुराने स्थान को देखने आ जाते थे अपने पुराने स्थान को देखने आ जाते थे कौन आ जाते थे तो हमारे महात्मा गांधी जी जो थे वो आ जाते थे गुड इवनिंग बच्चों आज आते थे लेखक की मुलाकात संजोग से लेखक की मुलाकात क्या हो जाएगा मुलाकात संजोग से पुंडलिक पुंडलिक जी से भितहरबा आश्रम में हुए उनका जो लेखक जी से मिलन कब हुआ था भितरीहरबा भित आश्रम में हुआ था कहा हुआ था भितहरवा आश्रम में हुआ था किनसे मुलाकात हुआ था गांधी जी और उनके जो लेखक थे इस कहानी का उनसे मुलाकात हुआ जी उनसे मुलाकात हुआ वह उनके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हुए किसने प्रभावित हुए गांधी जी के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हुए कौन लेखक कौन प्रभावित हुए लेखक ने प्रभावित हुए कुण? कौन प्रभावित हुए माई डियर स्टूडेंट्स लेखक ने प्रभावित हुए बच्चों लेखक प्रभावित हुए हैं गुड इवनिंग एक बार तो बोल दिए कितना बार आप लोग बोलिएगा जी लेखक थोड़ा प्रभावित हो गए थे किन से तो हमारे महात्मा गांधी जी से सर आंसर बहुत लॉन्ग हो जा रहा है बाबू देखो अगर हम आपको लॉन्ग करवा रहे हैं तो इसमें आपका दो मकसद है लॉन्ग करवाने से मेरा क्या है दो मकसद है दो मकसद है क्योंकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी में नहीं कि आपको समटा जाएगा प्लस में शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका समटा जाएगा समटाने के बाद हो जाएगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहां से देखिए बन रहा है जैसे देखिएगा में किनसे मिलने कभी आए थे तो महात्मा गांधी से मिलने आए थे महात्मा गांधी से मिलकर उन्हें कैसा लगा महात्मा गांधी से उन्हें मिलकर कैसा लगा तो काफी प्रभावित हुए काफी उन्हें खुशी हुआ किनसे मिलकर महात्मा गांधी से मिलकर किनको खुशी हुआ महात्मा गांधी से मिलकर किन्हें खुशी हुआ बताइएगा सभी लोग महात्मा गांधी से मिलकर किन्हें खुशी हुआ बताओ सभी बच्चे क्या हो जाएगा महात्मा गांधी से मिलकर किन्हें खुशी हुआ? महात्मा गांधी से मिलकर किसे खुशी हुआ जी बताओ सभी लोग महात्मा गांधी से मिलकर किसे खुशी हुआ महात्मा गांधी से मिलकर किसे खुशी हुआ सभी लोग बताएंगे महात्मा गांधी से मिलकर लेखक को खुशी हुई किसको खुशी हुई लेखक को अगला क्वेश्चन देखिएगा माई डियर स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा भी आपका क्या है टॉप मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है माई डियर स्टूडेंट्स टॉप मोस्ट हाँ पुंडलिक जी को हाँ जी पुंडलिक जी को खुशी हुआ अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन अब हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन कवर करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नाइन कवर करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर नाइन हम लोग कवर करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नाइन देखिएगा सभी बच्चे बिस्नी और मुन्नी बिस्नी और जो मुन्नी थी को किसकी प्रतीक्षा है कि वे डाकियों की तरह तरह डाकियों की राह क्यों देखती है बिस्नी जो है बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है और वे डाकियों की तरह क्यों राह देखती है क्या हो जाएगा यहां राह देखती है तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर नाइन सभी लोग ध्यान से देखिएगा <coughs> ष्णी को अपने सिपाही पुत्र एवं मुन्नी को सिपाही भाई की प्रतीक्षा है जो बिस्नी जो है अपने बेटे की प्रतीक्षा में है बिष्णु जो है अपने बेटे सिपाही की प्रतीक्षा में है बिषणी जो है अपने बेटे सिपाही यानी कि बिष्णु जो है अपने सिपाही बेटे की प्रतीक्षा में यानी कि पुत्र की प्रतीक्षा में है और मुन्नी जो है सिपाही भाई की प्रतीक्षा में है मुनि जो है अपने भाई की प्रतीक्षा में राह देखती है और राह चिट्ठी आने को देखती है हर बार वो देखती है कि कब हमारे भाई का चिट्ठी आए और उनकी माँ को लगता है कब हमारे बेटी का चिट्ठी आए और क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में लिखा था कि वे बर्मा की लड़ाई बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं कहां जा रहे हैं बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं ये भी क्वेश्चन जो हमारा है एक सैनिक से ही रिलेटेड है किससे है एक सैनिक से ही रिलेटेड है सिपाही से रिलेटेड है बच्चों सैनिक और जहन सिपाही और सैनिक दोनों से रिलेटेड है तो देखिएगा वो हाँ। जो पुत्र थे वो कहा जा रहे थे युद्ध पे जा रहे थे कौन सा युद्ध पे तो बर्मा की लड़ाई बर्मा की लड़ाई पे जा रहे थे बर्मा की लड़ाई पे जा रहे थे और माँ और बेटी किसी अनिष्ट की शंका के कारण चिट्ठी का इंतजार कर रहे थे चिट्ठी का इंतजार करते हैं कौन कौन इंतजार करते हैं बच्चों? जो उनका माँ है और उनकी बहन दोनों अपने भाई के चिट्ठी का इंतजार करती है कि हमारे भाई का चिट्ठी कब आए, एक संदेशा लेकर कि हमारे भाई कैसे हैं वह युद्ध में किस प्रकार से रहेंगे किस लिए जा रहे हैं Osionfish. मुन्नी को अपने भैया और बिस्नी को अपने बेटे की प्रतीक्षा है हाँ सुमन सिन्हा जी हाँ <reated sad manga preserved> मुन्नी को जो है अपने भैया और बिस्नी को अपने बेटे की प्रतीक्षा है तो क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया बच्चों ये जो क्वेश्चन है सभी को समझ में आया नहीं आया सभी को क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया सभी लोग बताएंगे एक बार सभी को क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया एक बार सभी बच्चे जवाब देंगे कि हाँ सर क्वेश्चन समझ में आ गया एक बार और एक बार और बताएं या नहीं बताएं बताओ सभी लोग क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया बताएंगे सभी बच्चे यस सर यस हाँ सर हाँ जी सभी बच्चों को तो समझ में आ गया नो डाउट्स हाँ सभी बच्चों को समझ में आ गया है अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन देखिएगा हमारे डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टेन हम लोग कवर करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन हम लोग कवर करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टेन देख लो बच्चों क्वेश्चन नंबर टेन भी जो है BBI है, है क्वेश्चन देखिएगा मानक और सिपाही आप लोग मानक का तो नाम सुने होंगे मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं मानक और जो सिपाही हैं एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं तो हम इसका डिटेल से जानेंगे कि मानक और सिपाही जो है एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं तो आइए हम लोग विस्तार से जाने ये क्या कहता है इसमें तो मानक बर्मा की लड़ाई में मानक जो है वो बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था आ, मानक जो है बर्मा की लड़ाई में मानक जो है वो बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से किसके ओर से गए थे माइ स्टूडेंट्स बताएंगे सभी लोग किसके ओर से गए थे आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार छाप दो किसके ओर से लड़ाई में गए थे मानक किसके ओर से लड़ाई में गए थे सभी बच्चे एक बार छाप देंगे कमेंट बॉक्स में कि किसके ओर से लड़ने गए थे मानक मानक जो थे वो किसके ओर से लड़ने गए थे बताओ सभी बच्चे क्या हो जाएगा मानक जो थे किसके ओर से लड़ने गए थे भारत की ओर से लड़ने गए थे किसके ओर से भारत की ओर से लड़ने गए थे किसके खिलाफ गए थे किसके खिलाफ गए थे तो अंग्रेजों के खिलाफ गए थे किसके खिलाफ गए थे अंग्रेजों के खिलाफ <coughs> किसके खिलाफ गए थे बच्चों तो अंग्रेजों के खिलाफ गए थे और दूसरी ओर के पक्ष दूसरी ओर के पक्ष जापानी थे दूसरी ओर के पक्ष कौन थे जापानी थे दूसरी ओर के पक्ष कौन थे माय डियर स्टूडेंट्स जापानी थे सेना एक दूसरे का दुश्मन है सेना जो है एक दूसरे का क्या है दुश्मन है माय डियर स्टूडेंट्स बताएंगे सभी लोग सेना जो होता है एक दूसरे का दुश्मन है क्योंकि वो अपने अपने देश का होते हैं सेना जैसे एक ले लीजिए नल्ला पाकिस्तान क्या ले लीजिए नल्ला एक ले लीजिए नल्ला दूसरा हो गया हमारा भारत कौन हो गया भारत तो नल्ला अपने तरह से लड़ेगा <coughs> नल्ला जो है वो अपने तरह से लड़ेगा और हमारे जो भारत के जो सैनिक हैं वो अपने तरह से लड़ेंगे <coughs> दोनों का पॉइंट समझिएगा ठीक है ना नल्ला जो है वो अपने तरह से लड़ेगा और भारत का जो सिपाही है अपने तरह से लड़ेगा तो दुश्मनी तो दोनों में है तो दुश्मनी जो है वो दोनों में है कट्टर तो दोनों में है ना तो दोनों क्या लड़ेंगे वो अपने देश के लिए लड़ेंगे ये नल्ला के लिए लड़ेंगे यानी कि पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे और ये अपने भारत जो है अपने देश के लिए लड़ेंगे सैनिक तो दोनों के लड़ेंगे ना सैनिक जो है वो दोनों का लड़ेंगे तो देखिएगा अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व किसका है अपने अपने देश के प्रतिनिधित्व है निधित्व करते हैं मानक और सिपाही अपने को एक दूसरे का अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं मानक और जो एक सिपाही जो थे अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं डियर स्टूडेंट्स किसको समझते हैं अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं इसलिए वे एक इसलिए वे वे एक दूसरे को मारना चाहते हैं क्या कहते हैं मारना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स देखिएगा सैनिक जो है वो किसी का नहीं होता है सैनिक जो है सिर्फ अपने देश के लिए वो रक्षा में विलीन होता है बल्कि अगले देश के लिए उसके साथ जैसा बिहेवियर रहेगा वैसा ही उसके साथ सलूक किया जाएगा तो देखिएगा एक दूसरे को मारना चाहते थे क्या चाहते थे मारना चाहते थे एक दूसरे को मारना चाहते थे किस लिए मानक और सिपाही मानक और सिपाही जो थे, मानक और सिपाही जैसे देखिएगा यहां मानक सिपाही मानक और सिपाही मानक कहाँ से लड़ रहा था तो अपने भारत के लिए लड़ रहा था और सिपाही जो था वो नल्ला के लिए लड़ रहा था किसके लिए नल्ला पाकिस्तान के लिए लड़ रहा था किसके लिए नल्ला पाकिस्तान के लिए लड़ रहा था तो ये जो था एक दूसरे को यानी कि मारने पे तुला था एकदम एक दूसरे को मारने पे तुला था एक दूसरे को मारने पे तुला था किसको नल्ला भारत को मारने के लिए तुला था भारत नल्ला को मारने के लिए तुला था और यहां पे किससे है मानक सिपाही को मारने के लिए तुला था और सिपाही मानक को मारने के लिए तुला था सभी को समझ में आया सभी बच्चे बताएंगे सभी को क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया सभी को समझ में आया या नहीं आया सभी लोग बताएंगे सर अभी कितना क्वेश्चन है बाबू देखो क्वेश्चन कितना भी रहे इससे आपको कोई फर्क नहीं है समझ गए ना कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है ए समझो समझ क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है ए मायने रखता है ठीक है ना क्वेश्चन कितना है मायने नहीं रखता है सभी को समझ में आया था? नहीं आया सभी लोग बताएंगे समझ में आया या नहीं आया सभी लोग एक बार जवाब दो सभी बच्चे एक बार जवाब देंगे हाँ सर समझ में आ गया जी <coughs> सभी बच्चे को समझ में आ गया अगला क्वेश्चन करवाएंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिएगा सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर इलेवन देखेगा सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर इलेवन हाँ जी सभी को नहीं आया सर किनको नहीं आया एक बार वो फिर से जवाब देंगे समझ में किनको नहीं आया वो एक बार फिर से जवाब देंगे किनको समझ में नहीं आया है वो हाथ एक बार खड़ा करेंगे कि समझ में किसको नहीं आया है देखिएगा क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन हम लोग कवर करेंगे माई डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर इलेवन सभी क्वेश्चन देख सभी लो सभी क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिएगा पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे क्लास खत्म होगा पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा ठीक है ना इसलिए सभी बच्चे क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन जो है आपका सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों सभी क्वेश्चन भी भी आई है मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी क्वेश्चन सभी क्वेश्चन अपने आप में जो है एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ठीक है ना क्या है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है देखिएगा क्वेश्चन नंबर इलेवन हाँ क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिएगा बच्चों घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी मां क्यों रो पड़ती है घर पहुंचने के बाद घर पहुंचने के बाद लेखक लेखक को देख उनकी मां क्यों रो पड़ती है घर पहुंचने के बाद उनकी मां देख लेखक लेखक को देखकर उनकी मां क्यों रो पड़ती है तो देखिएगा क्यों रो पड़ती है इसका सलूशन करेंगे अभी हम लोग हां जी हां सोनी कुमारी टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर ही पीडीएफ मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स टेलीग्राम पर मिलेगा हाँ बाबू टेलीग्राम पर मिलेगा प्रीति लेखक अपने बाल समय में अपने परिवार का सबसे ज्यादा दुलारा थे हाँ बाबू तुम भी घर की दुलारी बेटी हो प्रीति कुमारी एक बच्ची जब तुम थी इतना इतना सी थी तो तुम भी घर के अपने माँ और पापा की दुलारी थी थी या नहीं देखिएगा लेखक अपने बाल समय में अपने परिवार का सबसे ज्यादा दुलारा था लेखक जो था अपने बाल समय में सबसे दुलारा था सभी अपने माँ बाप के लिए जो भी बच्चे छोटे रहते हैं उस टाइम दुलारा ही रहते हैं सभी बच्चे दुलारा हाँ अंकिता हम भी तुम भी थी <laughs> उसके घर का हर सदस्य गालियां खाकर भूखे सोने पसंद कर सकता था उनके जो घर का सभी सदस्य थे दो चार गाली खा लेते थे फ्री में कि हाँ भाई दे दो दो चार गाली हमें पर हाँ, दो चार गाली दे दो लेकिन हम कुछ नहीं बोलेंगे तुम दो चार गाली या दस गाली भी दे दो हम सह लेंगे पर हम कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन अपने लाडले को अपने घृणित पेशों में लाना ना मंजूर था ना मंजूर था जैसे अपने बेटों के लिए उनका जो बेटा था किसी को दो चार पलक्का मार के चलाता था जैसे दो चार झापड़ मार के चलाया बच्चे में देखे होंगे आप लोग बच्चों में देखे होंगे आप लोग लड़ाई किए होंगे एक दूसरे से जैसे किसी बच्चों को आप लोग मार के आ जाते थे तो जिनके माँ बाप अपने बेटे से अधिक प्यार करते थे तो अपने बेटे को ही पक्ष में बोलते थे कि नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता मेरा बेटा जो है ऐसा नहीं कर सकता है आपका ही बेटा का गलती होगा किसका गलती होगा आपका ही बेटा का गलती होगा और गलती हमारे बेटे को दे रहे हैं तो यही हुआ बेटे का लाज प्यार क्या हुआ बेटे का लाड प्यार इसी तरह से होता है और सर पे चढ़ाना होता कि आगे चलकर वही जो बेटा है महा बाप का साला दुश्मन बनता तो देखिएगा लेखक के द्वारा मजबूत मजबूरी बस उन्हीं पैसों में आप आने पर उनकी देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर करते हैं <coughs> समझाने में बढ़िया <बन्हीं> रहेगा <coughs> हाँ जी खाकर भूखे सोना पसंद कर सकता था खाकर जो था भूखे पसंद सोना कर सकता था लेकिन अपने लागले को अपने गिनित पेशों में लाना नामंजूर था लेकिन लेखक के द्वारा मजबूरी बस उन्हीं पैसों में आने पर उनकी मां रो पड़ती है किनकी मां माँ रो पड़ती है जब उनका जो बेटा है एक नालायक इंसान बन जाता है तब उसकी माँ जो है एक रो पड़ती है किस लिए रो पड़ती है बच्चों तो क्योंकि उनका जो बेटा था जो सही रास्ते पे चल रहा था वो गलत रास्ते पे आ जाता है तो उसकी माँ जो है वो रो रीमा गुप्ता काजल बाय काजल सिस्टर बच क्यों जा रही हो <coughs> क्यों जा रहे हो रीमा गुप्ता बस ज्यादा नहीं है आप लोग सब्र बनाइए कुछ ही क्षण में हमारा क्लास खत्म हो जाएगा कुछ ही क्षणों में कुछ ही मिनटों में हमारा क्लास खत्म होगा डियर स्टूडेंट्स तो आप लोग बना बनाकर रखिए बस कुछ ही मिनट में खत्म होगा <coughs> तो देखिएगा उन्हीं पैसों में अपने आने पर उनकी मां रो पाती है तो बताइएगा डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन सभी को समझ में आया या नहीं आया क्वेश्चन नंबर इलेवन सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं आया एक बार हाथ उठा के जवाब देंगे सभी बच्चों हाथ उठा के जवाब देंगे सर मुझे समझ में आ गया है या नहीं आया बताओ सभी बच्चे सभी बच्चे बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया क्या आप लोग एग्जाम में कुछ ही घंटों में खत्म होगा नहीं अंकिता कुछ ही मिनटों में खत्म होगा कुछ ही मिनटों में खत्म होगा माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया बाबू सभी लोग बताओ हाँ जी क्वेश्चन समझ में आ गया सभी बच्चों को समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन शुरू करें अगला क्वेश्चन शुरू करें हम हाँ जी अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों का कहना है अगला क्वेश्चन शुरू कीजिए तो शुरू कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स देखिएगा अगला क्वेश्चन हाँ अगला क्वेश्चन आ गया है आपके बीच में हाँ जी अगला क्वेश्चन है टॉप भी भी आई क्या है ओहोह टॉप भी भी आई है क्या है टॉप भी भी आई एम सी क्यूज प्रश्न है जी डायरी क्या है डायरी देखें आप लोग डायरी देखें ना डायरी देखें सभी लोग किया नहीं देखे हैं सभी बच्चे बताएंगे डायरी देखें आप लोग डायरी देखे हैं नहीं सर डायरी नहीं देखे जी बताओ सभी लोग डायरी देखे हैं या नहीं देखे हैं सेंटअप में आया था हाँ बाबू सेंटअप में आया था बताओ सभी लोग डायरी देखे हो या नहीं देखे हो डायरी देखे हो सभी लोग डायरी देखे हो या नहीं देखे हो यस सर हाँ जी डायरी देखे हैं। तो डायरी देखी क्या है डायरी क्या है तो डायरी दैनिक वृत्त की पुस्तक है डायरी क्या है दैनिक वृत्त की पुस्तक है जैसे कितना स्टूडेंट ऐसा भी होते हैं जो अपने हर दिन का जो करते हैं हर दिन जो भी करते हैं वो अपने एक डायरी में नोट करते हैं जो भी वो करते हैं सारा चीज अपने डायरी में नोट करते हैं कि हमने आज इतना देर पढ़ा इतना टाइम में हमने एक काम किया सभी दिन का वो शेड्यूल करते हैं एक डायरी में शेड्यूल करना यानी कि वो डायरी कहलाता समझ गए ना जिसमें हम अपने मनपसंद भाषा को लिख सकें और वहाँ पे सारे चीज हम रख सकें जैसे कि हमने दिन भर में जो भी काम किया दिन भर में जो भी हमने काम किया उसे दैन दैनंदिनी भी कहा जा सकता क्या कहा जा सकता है दिनी यानी कि कुछ दिनों बाद भी उसे हम देख सकते हैं डायरी में जो हमारा लिखा होता है वो हमारे बाल बच्चे भी देख सकते हैं कि हमारे माता पिता ने क्या उनका जो अपने यंग युवा थे हमारे माता पिता तो अपने बारे में वो क्या सोचते थे वो क्या किए थे तो डायरी एक ऐसा चीज है बच्चों कि आप लोग तैयार करते हैं तो आपका जो है सारा चीज उसमें ब्यौरा रहता है ठीक है ना तो इसमें जीवन के प्रतिदिन देखिएगा क्वेश्चन देखिए यहां पे आ गया ना जीवन में जो प्रतिदिन मैं ऐसा नहीं करता हूं क्यों नहीं करते हैं जी जीवन इसमें जीवन के प्रतिदिन की घटनाओं जीवन के प्रतिदिन की घटनाओं को वह अनुभवों का वर्णन होता है जीवन का जो प्रतिदिन का जो घटना है हम लोग डायरी में क्या करते हैं वर्णन करते हैं और किसी व्यक्ति की डायरी से किसी व्यक्ति की डायरी से उसके मन की भाव को जानते हैं जैसे कोई बच्चे डायरी लिखा हो और उसके घर में दो चार व्यक्ति आए हैं और वो डायरी जो है उसके बगल में रखा होता है तो उसमें से एक जो थे नौजवान व्यक्ति उस डायरी को उठाते हैं और देखते हैं तो उन्होंने डायरी देखा तो बोला कि बहुत बढ़िया चीज है ऐसा करना चाहिए हर विद्यार्थी को करना चाहिए ताकि आने वाले जो उनके जीवन में उनके जो बाल बच्चे रहेंगे वो भी देखेंगे कि हाँ हमारे पिता ने ऐसा सोचा था इस तरह से हमारे पिता पढ़ाई करते थे इस तरह से हमारी माता पढ़ाई करती थी तो माई डियर स्टूडेंट्स तो देखेंगे जो डायरी हमारा है डायरी हमारा इसीलिए काम आता है कि हम अपने प्रतिदिन का जो घटना हो उसे हम अपने डायरी में प्रस्तुत करें और नोट करें तो उसके जीवन के लक्ष्य उसका जो जीवन का जो लक्ष्य होता है उसका जो जीवन का जो लक्ष्य है जीवन की स्थितियां क्या है जीवन की स्थितियां परिलक्षित होती है क्या होती है स्टूडेंट्स परिलक्षित होती है और डायरी किसी के जीवन का दर्पण है क्या है डायरी सभी लोग बताएंगे डायरी किसी के जीवन का क्या है बच्चों डायरी जो है वो जीवन का डायरी जो है किसी के जीवन का क्या है जीवन का दर्पण है क्या है जीवन का दर्पण है क्या है जीवन का दर्पण है माय डियर स्टूडेंट्स तो बताओ सभी बच्चे छाप देंगे कमेंट बॉक्स में कि डायरी किसी के जीवन का क्या है डायरी डायरी किसी के जीवन के लिए क्या है माई डियर स्टूडेंट्स बताएंगे सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में सर और कितना क्वेश्चन है प्लीज बताइए ना <laughs> बता देंगे तो फिर तो <laughs> नहीं बताएंगे जी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कुछ ही अब छंद में खत्म हो जाएगा ठीक है ना आप लोग बस इंतजार कीजिए कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा हाँ सर डायरी लिखना चाहिए हाँ जी डायरी जरूर लिखना चाहिए क्योंकि डायरी है एक हमारा जीवन का अस्तित्व होता है बच्चों कि आगे का पीढ़ी जो है भी वो भी देख सके प्रीति कुमार घटनाओं अनुभवों का वर्णन होता है किसी व्यक्ति की डायरी से उनके मन के भाव को हाँ जी प्रीति कुमारी मैंने एक बार पढ़ लिया है मैंने एक बार पढ़ लिया है जो आप बोले हैं हमने पढ़ लिया है तो सभी बच्चे बताएंगे बीस गो है हमको पता है अंकिता बोले बीस गो है हमको पता है क्या पता है अंकिता क्या पता बताओ बीस गो है न तो देखिएगा सभी लोग बताइए क्लास कैसा लगा आप लोग को सभी लोग बताएंगे आज का क्लास कैसा लगा आप लोग को मानेजर स्टूडेंट्स सभी लोग बताएंगे कैसा लगा आपको आज की क्लास आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा सभी लोग बताइए एक बार सर कुछ काम है प्लीज बताइए ना कौन सा काम है जी खाना बनाने के लिए जाना है सभी लोग बताओ खाना बनाने के लिए जाना है आज का क्लास कैसा लगा सभी बच्चों को बताएंगे सभी लोग आज का क्लास कैसा लगा डियर स्टूडेंट्स सभी लोग बताओ आज का क्लास आप लोग को कैसा रहा इंग्लिश का क्लास भी होगा हाँ जी ऐप पे होगा इंग्लिश का क्लास या रिकॉर्डिंग भी हो सकता है ठीक है ना तो बताओ आज का क्लास कैसा लगा सभी लोग को बहुत अच्छा सर हमारा नाम नहीं लेते हैं सर क्या नहीं लेते हैं जी हाय सर आर यू फ्रॉम बिहार अंकुर यादव हाँ जी कैसा लगा क्लास आप लोग को बताएंगे सभी बच्चे सभी बच्चे एक बार बताएंगे आपका आज का क्लास कैसा लगा माय डियर स्टूडेंट्स फिनिश हो गया सर फिनिश हो, <laughs> हो, हो गया क्या हो गया फिनिश हो गया क्या हो गया जी क्वेश्चन फिनिश हो गया टाइम टाइम फिक्स हो गया तो आज का क्वेश्चन समाप्त आज का क्लास भी हम लोग यहीं समाप्त करेंगे आप तो खुश है ना आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं आप लोग रोने लगे इसलिए क्लास को आज समाप्त करना पड़ रहा है अगला बार से ट्वेंटी फोर क्वेश्चन लेकर आएंगे ठीक है ना चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं डियर स्टूडेंट्स आप लोग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए जीवन में और तैयारी को निरंतर और लगातार करते रहिए तो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स सभी बच्चों को बाय बाय हाँ जी सभी बच्चों को बाय बाय